नमस्कार, वक्त है भारत एट नाइन का और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। एक सवाल के साथ शुरुआत, टीवी डिबेट क्या है? तो आप कहेंगे ये एक बहस का मंच जहां दोनों तरफ के विचारों को रखने की जगह दी जाती है, लेकिन आजकल ये मंच अपनी मर्यादाएं भूल चुका है। अब यहां गाली गलौच आम चलन हो चुका है। अगर आप परिवार के साथ किसी न्यूज चैनल पर डिबेट देख रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि टीवी डिबेट में कब तर्क की जगह गालियां बरसने लगे कोई नहीं बता सकता। बीते दिन एक नेशनल चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा चल रही थी। यहां पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए थे पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा, तो सामने थी कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत पहले पत्रकार थी, अब प्रवक्ता है। पत्रकार किस विचार के साथ पार्टी प्रवक्ता या नेता बन जाते हैं, सोच से परे है। सोचने को बस इतना कुछ बचता है कि क्या ये जब पत्रकार थे तो क्या पत्रकारिता के साथ न्याय कर रहे थे? ये पार्टी के विचारों से इतना कब प्रभावित हो गए कि पार्टी को ही ज्वाइन किया कर लिया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो बहस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत अपना आपा खो बैठी और कहने लगी, और मैं उसको कोट कर रहा हूं, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो तुम, अरे नाली के कीड़े चुप चुप झूठा कहीं का। ये शब्द थे सुप्रिया श्रीनेत के। ये सब उन्होंने कहा और ऐसा वो पहले भी कर चुकी। आप दोनों क्लिप को ध्यान से देख लीजिए। गालियां इनको और इनके नेताओं को दूंगी, अभी नहीं दूंगी, इनको चेतावनी दिए दे रही हूँ। गालियों की डिक्शनरी है ये, मैं जानता हूँ, थैंक यू। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, चलिए मेरे बारे में आपने इतना पता कर लिया, बहुत अच्छा है। छिछोरे आदमी, तमीज से बात करो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो। आप हमारे लीडर को ऐसे बोलोगे ना सावरकर, हमारी शान है। आपने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा, किसी को खोया है कि नहीं, ये कैसा सवाल था? भगवान करे कोई किसी को ना खोए, कैसा सवाल था? घटिया आदमी, कैसा घटिया सवाल आपने पूछा कि आपने खोया कि नहीं खोया? अमित भाई, मैं इस गाली वाली मैडम के साथ बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहता। मेरा निवेदन है, मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है, देखिए मैं घटिया तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी का कीड़ा, अरे भाई क्यों करेंगे आप? इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम लेंगे? अरे मैं आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का, दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से, माँ बेटे एजेंट है चाइना के, चाइना के एजेंट तो बहस के बीच इस तरह की भाषा शर्मनाक है, और चैनलों को भी चाहिए कि डिबेट की कुछ गाइडलाइंस बनाकर रखें और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों को बॉयकॉट करें, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से। वैसे ये प्रवक्ता कौन है और अचानक से इन प्रवक्ताओं की बाढ़ कैसे आ गई, इसको समझते हैं। तो ये लोग भारतीय राजनीति के नए किरदार हैं, नए चेहरे हैं। ये हर शाम और रात और कभी कभी दिन में भी सच धर कर टीवी कैमरों या स्टूडियो में बैठ जाते हैं और देश दुनिया के तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के ये नए पदाधिकारी हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं तो एक साथ 8-10 किस्म की चीज़ों में महारत हासिल है जिनको। मसलन कभी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो कभी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो कभी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, और कभी कभी पार्टी प्रवक्ता भी। ऐसा नहीं है कि पार्टियों के पहले प्रवक्ता नहीं हुआ करते थे, हाल के दशक में उनकी संख्या में विस्फोट हुआ है और वे ज़्यादा नजर आने लगे हैं। पहले पार्टियों में केंद्र और राज्य स्तर पर अक्सर एक प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन निजी चैनलों की संख्या बढ़ने के कारण चैनलों में बहस और चर्चा के लिए प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ी और राजनीतिक दलों ने उस जरूरत को पूरा किया। चैनलों ने उन्हें राजनीतिक और कई बार आर्थिक और सामाजिक विषयों पर बहस के कार्यक्रम करने का चलन शुरू किया, जिसके लिए सत्ताधारी और उनका संतुलन बनाने के लिए विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को बुलाया जाने लगा। चूंकि देश भर में अब ज्यादातर घरों में टीवी है और समाचार चैनल भी देखे जाते हैं, इसलिए ओपिनियन मेकिंग में इन चैनलों में होने वाली बहस के महत्व से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। यही प्रोग्राम फिर डिजिटल मीडिया पर भी अपलोड किए जाते हैं और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए ये और आगे तक पहुंचाए जाते हैं, आपके फोन में भी आता होगा। यह आश्चर्यजनक है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने टीवी चैनलों की इस जरूरत को पूरा करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इस जरूरत को देखते हुए जिन पार्टियों में कभी एक प्रवक्ता होते थे, उन्होंने प्रवक्ताओं की पूरी फौज खड़ी कर दी, आर्मी ऑफ प्रवक्ता, जिनका काम टीवी बहसों में पार्टी का पक्ष रखना और सरकार की प्रशंसा या निंदा करना और विरोधियों के सवालों का जवाब देना है।
चूंकि ये प्रवक्ता ही पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, इसलिए जनता की नजर में प्रवक्ता नाम की संस्था और प्रवक्ताओं का महत्व काफी बढ़ गया है। वे पार्टियों का सार्वजनिक चेहरा बन जाते हैं। इसे देखते हुए ये सवाल पूछना वाजिब होगा कि आखिर वो कौन से आधार हैं जिसे देखकर पार्टियां अपने प्रवक्ताओं का चयन करती हैं। प्रवक्ता नियुक्त करते हुए जब प्रवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है उस वक्त क्या पार्टियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि इन लोगों को बुनियादी राजनीतिक प्रशिक्षण मिला है या नहीं? क्या यह देखा जाता है कि उन्होंने राजनीति में कितना समय बिताया है, एक्सपीरियंस क्या है? क्या चुनाव लड़ना या ना लड़ना प्रवक्ता चुने जाने का कोई आधार है? क्या ऐसे लोग भी प्रवक्ता बन रहे हैं जिन्होंने पंचायत से लेकर संसद तक का किसी भी स्तर का ना तो चुनाव लड़ा है और ना ही जीता है? क्या उन्हें जनता के बीच काम करने का और पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का कोई अनुभव है या नहीं? क्या उन्हें राजकाज का कोई अनुभव है? उनकी शिक्षा का स्तर क्या है? कोई ये कह सकता है कि जब पार्टी में नेता बनने के लिए कोई शर्त ही नहीं है तो प्रवक्ता बनने के लिए कोई शर्त क्यों होनी चाहिए? इसका जवाब है, इसका जवाब यह है कि इन शर्तों को पूरा करने वाले प्रवक्ताओं को पार्टी की विचारधारा ही नहीं देश और समाज की बेहतर जानकारी होगी और उन्हें यह भी पता होगा कि समाज में अन्य विचार भी मौजूद हैं और उनके साथ संवाद कैसे किया जाना चाहिए। खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण वह दूसरे पक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति बुनियादी सम्मान का भाव भी रखेगा। याद रखिए, बुनियादी सम्मान का भाव रखेगा और ऐसा तो नहीं होगा जैसा कि कल सुप्रिया श्रीनेत ने किया है, बिल्कुल नहीं होगा। अभी स्थिति यह है कि प्रवक्ता को फटाफट या भड़बड़ बोलना आना चाहिए, बहुत स्पीड में। उसकी आवाज ऊंची और तीखी होनी चाहिए और उसमें ये तमाम क्षमताएं होनी चाहिए कि असहनीय शोर और टोका टोकी के बीच अपनी आवाज को शोर औरों तक पहुंचा सके। आपने देखा होगा खिड़कियां दिखती हैं आपको, खिड़कियों में किस तरीके से चारों तरफ से एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, कोई विचार आपके कानों तक नहीं पहुंच रहे होते। तो दूसरे दलों और विचारों के प्रति अवमानना का भाव होना चाहिए और उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वे विरोधियों को चुप करा सके। ये पार्टी प्रवक्ताओं के आजकल के वो बता रहा हूं मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उन्हें कैसे अपमानित कर सके, ये होनी चाहिए प्रवक्ताओं में कि दूसरे को कैसे अपमानित कर सके। वैसे होना तो ये चाहिए कि पार्टी प्रवक्ता फैक्ट और डाटा के साथ बहस में जाए और उन्हें ये डाटा पार्टी का रिसर्च डिपार्टमेंट उपलब्ध कराए, लेकिन ज्यादातर पार्टी प्रवक्ता बिना किसी तैयारी के बहस में शामिल होते हैं। यह भी देखा गया कि एक पार्टी का प्रवक्ता जब पार्टी बदलता है तो उसे दूसरी पार्टी अपना प्रवक्ता नियुक्त कर देती है, जबकि नए दल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। टीवी एंकरों को भी पार्टी में शामिल होने पर अक्सर प्रवक्ता बना दिया जाता है। जब ऐसे लोग पार्टी प्रवक्ता बनेंगे तो टीवी बहसों के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनसे विषय सम्मत जानकारी वाली बहस की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये असहिष्णु भरी बहस करते हैं और शोर से अपनी कमियों को ढकते हैं। वे दूसरे पक्ष का जवाब नहीं दे पाते तो हल्ला करते हैं। इसलिए टीवी बहसों में शोर बढ़ रहा है और वहां कोई सार्थक बहस संभव नहीं है। पार्टी प्रवक्ताओं के हाल तो ये हो गए कि जब एंकर के सवालों का जवाब नहीं होता तो एंकर पर ही गलत शब्दों का प्रयोग करने लगो। ऐसा कई मर्तबा देखा गया है। कांग्रेस पार्टी वाले गोदी मीडिया कहकर निकल लेते हैं तो बीजेपी वाले कांग्रेस की दलाली कर रहे हो आप, ऐसा कहकर निकल लेते हैं। खैर, ये पूरी जो मैंने आपको बातें बताई ये उसके बाद है कि कल जिस तरीके का रवैया सुप्रिया श्रीनेत ने दिखाया उसके बाद संबित पात्रा के लिए उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया घोर इसकी निंदा करता है। खैर, बाकी सब ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बाकी तो सब भोलेनाथ है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।